अफगानिस्तान के लोगों की भलाई के लिए भारत ने भरी दुनिया के सामने एक से बढ़कर एक कदम उठाए, जिससे पाकिस्तान कई बार छटपटा भी गया, क्योंकि पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ अफगानिस्तान के लोगों की बर्बादी चाहता है। लेकिन उसके विपरीत भारत अफगानियों के लिए हर वो मुमकिन कदम उठा रहा जो एक भाई दूसरे भाई के लिए उठाता है। इस बीच पिछले कुछ साल से भारत और पाकिस्तान के रिश्ते भले ही तल्ख हो गए हों और बातचीत की संभावना दूर दूर तक नहीं दिख रही हो, लेकिन TAPI यानी तापी गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट पर काम आगे बढ़ गया है। चारों देशों को शामिल कर शुरू होने वाला ये प्रोजेक्ट रिश्तों में जमी बर्फ को पिघलाने की दिशा में अहम साबित हो सकता है। अब ये तापी क्या है ये जान लीजिए। दरअसल तापी यानी तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया, ये चारों देश मिलकर इस प्रोजेक्ट पर सालों से काम कर रहे और अब अरबों डॉलर के इस प्रोजेक्ट पर एक अहम समझौता हुआ। ये समझौता पाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान के बीच हुआ। समझौते पर पाकिस्तान की तरफ से पेट्रोलियम राज्य मंत्री मुस्तिक मलिक और तुर्कमेनिस्तान की तरफ से राज्य मंत्री अध्यक्ष मस्कट बाबायेव ने दस्तखत किए। तापी प्रोजेक्ट के 2019 में पूरा होने की उम्मीद थी, लेकिन अफगानिस्तान में तालिबान की सत्ता आने और भारत पाकिस्तान के बीच तनाव के चलते इसका काम अटक गया। लेकिन अब तापी यानी तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया प्रोजेक्ट को फिर से शुरू कर दिया गया है। बता दें, इससे पहले ट्रांस अफगानिस्तान पाइपलाइन प्रोजेक्ट के नाम से इसे जाना जाता था, लेकिन बाद में पाकिस्तान और भारत के शामिल होने के बाद इसका नाम तापी हो गया है। अब जब इस प्रोजेक्ट में भारत शामिल हो गया तो सवाल यह है कि कहां कहां से गुजरेगी ये तापी प्रोजेक्ट की पाइपलाइन। दरअसल ये गैस पाइपलाइन अफगानिस्तान और पाकिस्तान से होते हुए तुर्कमेनिस्तान से भारत पहुंचेगी। तुर्कमेनिस्तान की एक गैस फील्ड से गैस की सप्लाई होगी। ये पूरी पाइपलाइन 1814 किलोमीटर लंबी होगी। ये पाइपलाइन भारत के पंजाब के फजिलका शहर तक पहुंचेगी। पाकिस्तान से भारत तक इस पाइपलाइन की लंबाई 826 किलोमीटर होगी। अब सवाल है, इस प्रोजेक्ट पर कितना खर्च आएगा, क्योंकि पाकिस्तान तो वैसे ही भूखा कंगाल है और अफगानिस्तान की मदद भारत कर रहा, यानी भारत इसमें अहम भूमिका निभा सकता है। इस पाइपलाइन प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत $10 अरब है। इस प्रोजेक्ट के पूरा होने के बाद गैस के लिए चीन और रूस पर डिपेंडेंसी कम होगी। इसके अलावा इस कंपनी में 5-5% की हिस्सेदारी अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत की है। अफगान गैस यानी अफगानिस्तान, इंटरेस्ट गैस सर्विस पाकिस्तान और गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया एंड इंडियन ऑयल भारत इसमें हिस्सेदार है। अब जब भारत इसमें पैसे खर्च करेगा तो उसको कितनी गैस मिलेगी ये भी बारीकी से समझ लीजिए। दरअसल पाइपलाइन के जरिए हर साल 33 अरब क्यूबिक मीटर गैस की सप्लाई होगी। इसमें से 5 अरब क्यूबिक मीटर गैस अफगानिस्तान को मिलेगी, जबकि पाकिस्तान और भारत को 14-14 अरब क्यूबिक मीटर गैस की सप्लाई होगी। भारत के 1.5 अरब से ज्यादा लोगों को इससे फायदा होने की उम्मीद है। खैर, भारत सरकार के मुताबिक फजिलका शहर में इस पाइपलाइन के आने से इलाके में इंडस्ट्रियल और कॉमर्शियल एक्टिविटी बढ़ने की उम्मीद है। लेकिन सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान के साथ भारत काम करने को हामी भरेगा और क्या पाकिस्तान को भारत अपने इशारों पर नचाएगा? आपका क्या कुछ कहना है कमेंट कर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।